जय भारत नवोदय। मैं प्रदीप अंबेडकरी, मेरे साथ हमारी अंबेडकर महिला संघ की अध्यक्ष नीलम बहन जी और हमारे अंबेडकर सेना मूल निवासी के तहसील प्रेसिडेंट सुरेश कुमार जी और पंकज कुमार जी, सनी कुमार जी जनरल सेक्रेटरी, कैशियर हमारे मंगाराम जी, सुखविंदर जी, हमारी महक जी, जे हमारी अंबेडकर सेना मूल निवासी की सारी टीम ने इस बार प्रण किया कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है वो मनाना है। और उसके साथ साथ ही, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है जे पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, उसी कड़ी के तहत हमने कठुआ में 14 अप्रैल को शोभा यात्रा का जो है वो प्रोग्राम रखा है। और मैं हमारी जो टीम है इसको मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने अभी गांव-गांव जाकर बाबा साहब का प्रचार किया और लोगों ने इनको फुल समर्थन दिया, पूरा समर्थन दिया कि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उसके लिए हमने जो मैं तो सबसे पहले मैं अब डीसी साहब जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका मैं बहुत आभारी हूं कि जब हमने उनको परमिशन के लिए कहा तो उन्होंने बहुत जल्दी हमें जो परमिशन बनाकर दे दी। मानजोग एसपी साहब ने, तहसीलदार साहब जी ने हमें बहुत जल्दी परमिशन दी। और उसके बाद हम जो अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि बगा पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो हमने शोभा यात्रा निकालनी है, इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट में जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर अंबेडकर चौक में आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकती है, पर हम अंबेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि वहां पर कोई भी पार्टी अपना फ्लैग, अपना झंडा, अपना डंडा वहां पर लेकर ना आए, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम शोभा यात्रा जो निकाल रहे हैं जो उस संबंध में प्रोग्राम है, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होगा। पर पॉलिटिकल लोगों को हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब पर सभी का हक है, सर्व समाज का हक है। और हमारा जो रूट रहेगा वो अंबेडकर चौक वार्ड नंबर 10 से जराई अड्डा, वहाँ से मुखर्जी चौक, मुखर्जी चौक से शहीदी चौक, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ब्रिज से होते हुए दोबारा जो डॉक्टर अंबेडकर चौक है वहाँ पर वो संपन्न होगी यात्रा। और हम जहाँ से अंबेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से पूरे कठुआ वासियों से अपील करते हैं कि वहाँ पर बढ़ चढ़कर उस शोभा में, अंबेडकर यात्रा में अपना हिस्सादारी करें, क्योंकि शहर में पता चले कि अंबेडकर बाबा साहब को जानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोग कठुआ में जिंदा है। और जे शोभा यात्रा को है जो ज्यादा से ज्यादा लोग आकर उसकी रौनक को बढ़ाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। कितने बजे शोभा यात्रा निकलेगी? हमारी शोभा यात्रा 11 बजे सुबह एतवार को अंबेडकर चौक से स्टार्ट होगी। क्या कुछ वैचारिक तौर पे डॉक्टर साहब पे कोई जीवनी पे भी रखा जाएगा कार्यक्रम कोई? हमारा जब अंबेडकर चौक से शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद वहाँ पर हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, वहाँ पर हम जो विचार गोष्ठी जो है वो वहाँ पर करेंगे, वहाँ पर लोगों को बाबा साहब के विचारों से हम अवगत करवाएंगे। महिला संघ की अध्यक्ष, आज जहाँ पे अंबेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से मैं कार्यक्रम आयोजन किया, और मैं सभी जहाँ पे जितने भी हमारे मीटिंग के हमारे जो पार्ट, हमारी जो जितनी भी समिति है उसके जितने भी हमारे मेंबर हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में मैं आपके माध्यम से अपनी जे कठुआ वासियों को जे पहले तो मैं बधाई देती हूँ कि हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, और उनकी तरफ से मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देती हूँ, और साथ प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें जो परमिशन दी हमारी जो चेतना मार्च है उसको निकालने के लिए। ये तो हमारे पूरे विश्व में निकल रही है, भारत में ही नहीं विश्व में ही चेतना मार्च निकल रहा है, और हम उनके अपनी तरफ से जहाँ पे हमारी जो अंबेडकर सेना मूल निवासी है उसकी तरफ से जहाँ पे भी हम थोड़ा सा प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि कठुआ वासी जो हमारे हैं, खासकर महिला संघ, जो महिलाएँ और बच्चे, मैं बोलूँ चाहती हूँ कि वो बढ़ चढ़ के जहाँ पे हिस्सा लें और हमारे जो मार्च का शोभा बढ़ाएं। जय भारत। मैं सुरेश कुमार, तहसील कठुआ, प्रेसिडेंट अंबेडकर सेना मूल निवासी, मैं सारे कठुआ वासियों की मुबारकबाद देना कि कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जड़े भारत रत्न उनका
कल जन्मदिन है। मैं सारे लोकें गी कठुआ दे और कठुआ दे लागे बन्ने जिन्ने भी ग्राउंड न उन्हें गी सारे गी न्योता है, कल बाबा साहब हुंदा जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम कन्नै मनाए दे हैं। सारे गी हत्थ बनी बेनती है कि सारे लोग बाबा साहब हुंदे जन्मदिन आले गी मनाने वास्ते आन और लोकें तक ये मैसेज देन कि बाबा साहब ने साढ़े वास्ते कीता के है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बाबा साहब हुंदा सारे कोला ज़्यादा बड़ा योगदान हा। इस चीज़ की लोकें तक पहुँचाने वास्ते सारे का सहयोग चाहिए। जय भीम, जय भारत। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।